वेलकम बैक एवरीवन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर की। नाउ ट्रांसफॉर्मर ओपन एआई जीपीटी में यूज होता है एंड काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये। तो आई गेस अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बट यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मैं मेंटेन कर रहा हूँ दैट इज लेवल जीरो। मैं बहुत टॉप लेवल का आर्किटेक्चर आपको डिफाइन करने वाला हूँ। नाउ अगर यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। सो ट्रांसफॉर्मर्स फॉलोज फर्स्ट थिंग विच इज सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। ये क्या होता है, बेसिकली हर टोकन, जो भी मैं यहाँ पे टोकन फीड कर रहा हूँ, सो टोकन वन अपने आप में सिक्वेंस के अंदर इस टोकन का, देखो मैंने आपको बताया था सिक्वेंस, राइट? जब मैं बात कर रहा था नॉमिनल टर्मिनोलॉजीज की जो हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे सिक्वेंस का जिक्र आया था। उस सिक्वेंस में क्या रहेगा, टोकन वन होगा, टोकन टू होगा, टोकन थ्री होगा एंड सो ऑन, आगे भी टोकन होंगे। बट यहाँ पे अब सेल्फ अटेंशन का मतलब क्या हो गया, सेल्फ अटेंशन का मतलब हो जाता है जब मेरा हर टोकन के लिए एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस अवेलेबल हो। सिग्निफिकेंस वन, इसके लिए सिग्निफिकेंस टू, इसके लिए सिग्निफिकेंस थ्री एंड सो ऑन। एंड ये सिग्निफिकेंस हम कैप्चर कर लें, हम कैप्चर कर लें। एंड कैप्चर करने के बाद में ये देखो क्या रखेगा, अगर मैं सिग्निफिकेंस टू को कैप्चर कर लेता हूँ तो वो कहीं ना कहीं थ्री को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। जब मैं सिग्निफिकेंस वन रख रहा हूँ तो टू को हेल्प कर रहा है। सो दिस इज हाउ द रिलेशन फॉर अ लॉन्ग सिक्वेंस बेसिकली वर्क। तो एक बहुत लंबी रिलेशनशिप बन जाती है अक्रॉस डिस्टेंसेस, काफी लंबी रिलेशनशिप बन जाती है और ये मैकेनिज्म काफी हेल्पफुल होता है टू जनरेट द आउटपुट। गॉट इट? एंड बेसिकली इससे होगा क्या, इन द एंड मॉडल जो है वो मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट हो जाएगा। करेक्ट, इफिशियंट हो जाएगा। इसके बाद में आता है पोजिशनल एनकोडर्स एंड डिकोडर्स। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो पोजिशनल एनकोडर्स, ये आगे मेरे, तो मेरे पास में एनकोडिंग है, ठीक है, जो भी इनपुट मैंने दिया उसकी एनकोडिंग आ गई। मैंने सेल्फ अटेंशन जो थी मेरी, मल्टीपल हेड अटेंशन जो थी, राइट, यहाँ पे मैंने उससे कुछ सिग्निफिकेंस कैप्चर किया एंड उस सिग्निफिकेंस को मैं पर्टिकुलर टोकन के साथ एम्बेड कर दूँ। सिग्निफिकेंस को टोकन के साथ, सो टोकन वन प्लस सिग्निफिकेंस ऑफ टोकन वन, ये मैं कलेक्टिवली एम्बेड कर दूं। सो दिस इज व्हाट पोजिशनल एनकोडिंग। सो एनकोडिंग एम्बेड्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन विच इज सिग्निफिकेंस इनटू द टोकन, इस टोकन में उसको एम्बेड कर देता है टू रिटेन द सिंटेक्स एंड सेमेंटिक मीनिंग ऑफ द वर्ड और टोकन। सो हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सिंटेक्स एंड सिमेंटिक मीनिंग एंड सिमेंटिक मीनिंग ऑफ टोकन को स्टोर करके रखना है। नाउ दिस बेसिकली अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो ये मुझे कंप्लीट सिक्वेंस ऑफ टोकन्स को मिला के मैं सेंटेंस बना सकता हूं, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर का मेरा समझने में हेल्प करता है। एंड डेफिनेटली ये एक्यूरेसी और एफिशिएंसी तो इंक्रीज कर ही रहा है एंड आसान कर देता है मेरे लैंग्वेज जैसे टास्क को कंप्लीट करने में। नाउ देन कम्स एनकोडर एंड डिकोडर्स। नाउ एज यू ऑल नो, एनकोडर्स मैं बता चुका हूँ आपको, एनकोडर्स क्या होता है एंड डिकोडर्स। नाउ एनकोडर्स कन्वर्ट्स इनपुट टेक्स्ट इनटू रिप्रेजेंटेशन, जो हमने बोला था, ठीक है, बेसिकली कैप्चर्स वही कर रहे हैं सिमेंटिक एंड सिंटैक्टिक इंफॉर्मेशन को। एंड डिकोडर्स बेसिकली जनरेट आउटपुट बेस्ड ऑन ना एनकोडिंग इनपुट, एनकोड जो हो रखा है इनपुट उसको कन्वर्ट करते हैं। टिपिकली ये मशीन लर्निंग ट्रांसलेशन में हेल्प होता है, तो यहाँ पे मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देन कम्स लेयर एडिशन एंड नॉर्मलाइजेशन। सो दिस इज लेयर नॉर्मलाइजेशन। ना रियल नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, देखो हर लेयर के पास में एक अपनी नॉर्मलाइजेशन है, आपने यहाँ डायग्राम में देखा, राइट?
राइट ना, लेयर नॉर्मलाइजेशन का होता है, दिस स्टेबलाइजेस द ट्रेनिंग प्रोसेस, तो जो मॉडल है उसको ये रोबस्ट बना देती है, क्या कर देती है, रोबस्ट बना देती है। किस लिए रोबस्ट बना देती है, बेसिकली जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो लूज ना हो, वो टाइटली कपल हो जाए, गॉट इट, वो टाइटली कपल हो जाए। तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस लेयर, यहां देखो लेयर वन है, ये वाली लेयर वन है एंड लेयर टू है, प्रीवियस लेयर को मैं इंफॉर्मेशन को लेके अगली लेयर पे भी पास ऑन कर रहा हूँ, सो पुरानी लेयर, पुरानी जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे नेक्स्ट लेयर पे अवेलेबल करा देते हैं। तो रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस लेयर वो बढ़ जाता है, एंड दिस विल इंक्रीज द और प्रोवाइड द इम्प्रूवमेंट्स इन द लर्निंग्स ऑफ द मॉडल, और आई वुड से इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉडल, गॉट इट। तो लास्ट मेरा हो गया लेयर नॉर्मलाइजेशन, गॉट इट। सो दिस विल प्रोवाइड डेप्थ लर्निंग एंड इफेक्टिवनेस। Got it? So I guess ये आपको टॉप लेवल डेफिनेशन प्रोवाइड कर देता है हाउ ट्रांसफॉर्मर मॉडल आर्किटेक्चर वर्क्स बेसिकली। सो अगर आपको इतना भी पता है देन वी आर गुड टू गो, हम आगे बढ़ सकते हैं, एंड डेफिनेटली इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू, जहाँ पे हम मे भी कुछ हैंड्स ऑन करके देखेंगे, गॉट इट। तो मैं एक और सैंपल आपके साथ लिंक कर दूंगा जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में इनडेप्थ पढ़ सकते हो, एक बेसिकली मैं एक रिसर्च पेपर आपको टैग करा दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।